ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। जगदलपुर के भाजपा नेता व पूर्व विधायक संतोष बाफना ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि जिले के सिर्फ 15% बेरोजगारों को भत्ता दिया गया है। पूर्व विधायक संतोष बाफना ने कांग्रेस सरकार की बेरोजगारी भत्ता को लोक लुभावन वाली योजना बताते हुए कहा कि कड़े मापदंडों के खातिर अधिकतर बेरोजगार भत्ता से वंचित हो गए हैं। उन्होंने बताया कि बस्तर जिले में ही 77,246 बेरोजगारों ने अपना पंजीयन करवाया, जिनमें केवल 2,919 को पात्र घोषित किया गया, लेकिन 1,396 को ही भत्ता का लाभ दिया गया। जिले के मात्र 80% बेरोजगारों को ही भत्ता दिए जाने से शेष 85% बेरोजगारों में आक्रोश देखा जा रहा है। अभी तक जो मार्च कह रहा है जीव समझे, हमारे रोजगार कार्य में 77,286 लोगों का पंजीयन है और 12वीं से पढ़े लिखे लोग हैं उनका पंजीयन 29,300 और जो 285 का पंजीयन है ये पात्रता रखते हैं, लेकिन अभी किसी कारणवश लोग आवेदन नहीं दे पाए हैं। 30 अप्रैल की तिथि में 29,019 लोगों ने बेरोजगारी भत्ता किया है, ऑनलाइन आवेदन किया है, उनमें से 13,96 का स्वीकृति मिला है, जिनको 1 अप्रैल से न कोई रहेगा था इनका बेरोजगारी भत्ता अचानक हो गया। 4.5 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, इस लालबाग के मैदान में उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने गंगा जल हाथ में लेके झूठी कसमें खाई थी और 36 बिंदुओं का एक घोषणा पत्र निकाला था। 36 बिंदुओं के घोषणा पत्र में जितनी बातें हैं वो समझता हूं कि कोई भी बातें वो पूर्ण करने की स्थिति में नहीं है। चाहे आपने बेरोजगारी भत्ते की बात कही है, बेरोजगारी भत्ता इन्होंने 2 साल का बेरोजगारी भत्ता देने का निश्चय किया है और 2 साल के बेरोजगारी भत्ते में कई क्लाज ऐसे लगा दिए गए हैं जिनमें लोगों को बेरोजगारी भत्ते का लाभ नहीं मिल रहा है। मैं तो ये कहता हूं कि ये बेरोजगारों से छल करने का काम कर रहे हैं और आने वाले समय में युवा मोर्चा के माध्यम से 8 तारीख को हम लोग रोजगार कार्यालय का घेराव करने की योजना बना रहे हैं और बेरोजगारों को साथ में लेकर रोजगार कार्यालय हम घेराव। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।